जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभरतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। दस महाविद्या यानी कि गुप्त नव दुर्गा, गुप्त नव रात्रि में केवल दस महाविद्या की ही उपासना करना चाहिए। और इसके लिए चंडी स्त्रोत का पाठ करना भी आवश्यक होता है, तभी मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी प्रसन्न होती है। इसीलिए बहुत से मनुष्यों को कोई भी अनुभव नहीं होता है, और जो कार्य उनको पांच कदम चलने से प्राप्त हो सकता है वो 100 कदम चलते हैं, यानी 20 गुना मेहनत ज्यादा करते हैं। इससे ज्यादा अच्छा है कि 20 गुना मेहनत कम की जाए और इन स्त्रोतों को याद करके पाठ किया जाए। जैसे कि ओम घोर चंडी महाचंडी चंडमुंड विखंडिनी चतुर्वक्ता महावीर्या महादेव विभूषिता रक्तदंता वाराहोरा वरारोहा महिषासुरमर्दिनी तारिणी जननी दुर्गा चंडिका चंड विक्रमा गुकाली जगद्धात्री चंडी यामलोद्भवा शमशानवासिनी देवी घोर चंडी भयानका शिव घोरा रुद्र चंडी माहेशी गणभूषिता जानवी परमा कृष्णा महा त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या परमा विद्या चंडी वेरी मर्दनी दुर्गा दुर्ग शिव घोरा चंड हंत्री प्रचंडिका माहेशी बगला देवी भैरवी चंड विक्रमा प्रथमे भूषिता कृष्णा चामुंडा मुंड मर्दनी रणखंडा चंड घंटा रणरामा रणप्रिया भवानी भद्रकाली च शिव घोरा भयानका विष्णुप्रिया महामाया नंद गोप ग्रहोद्भवा मंगला जननी चंडी महाक्रुद्धा भयंकरी विमला भैरवी निद्रा जातिर बुद्धि स्मृति क्षमा तृष्णा क्षुधा तथा छाया शक्ति मारिया मनोहरा तस्य देवे नमो यावे सरसरूप संस्थिता प्राण प्रिया जाति माया निद्रा रूपा महेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूपेण संस्थिता नमत्तस्य 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 नमो नमः महाचंडी शिव घोरा भयानका वरप्रदा कांचनी कमला विद्या महारोग मर्दनी गुचंडी घोर चंडी चंडी त्रैलोक दुर्लभा देवानाम दुर्लभा चंडी रुद्रामल संपदा अप्रकाश्या महादेवी प्रिया रावण मर्दनी मत्स्य प्रिया मांसलता मत्स्य मांस बली प्रिया मधुमता महानत्या भूत प्रथम संगता महाभगा महारामा धानदा धन्य रत्नदा वस्त्रादि मणि राजादि प्रजा विषय वर्दिगा मुक्तिदा सर्वदा चंडी महा आपत्ति विनाशिनी रुद्रधया रुद्र रूपा रुद्राणी रुद्रवल्लभा रुद्रशक्ति रुद्र रूपा रुद्रभूषा समृता शिव चंडी महाचंडी शिव प्रेत गणविता भैरवी परमा विद्या महाविद्या च षोडशी सुंदरी परमा पूज्या महा त्रिपुर सुंदरी गुकाली भद्रकाली महाकाल विमर्दनी कृष्णा कृष्ण स्वरूपा सा जन सम्मोहनकारिणी अति माद्रा महालज्जा सर्वमंगलदायिका गौरतंद्रा भीम रूपा भीमा देवी मनोहरा मंगला बगला सिद्धिदायिनी सर्वदा शिवा किस्मति रूपा कीर्ति रूपा बुद्धि रूपा मनोहरा विष्णु प्रिया शक पूज्या योगिंद्रपी सेविता भयानका महादेवी भय दुख विनाशिनी चंडिका शक्ति हस्ता च कौमारी सर्कामदा वाराही च वाराहस्या इंद्राणी शक पूजिता महेश्वरी महेशा च महेश गण भूषिता चामुंडा नारसिंह च नरसिंह नरसिंह शत्रुनाशिनी सर्वशत्रु प्रश्वनी सर्व आरोग्य प्रदायिनी। इस तरीके से रुद्र चंडी का पाठ करना चाहिए यदि आप गुप्त नवरात्रि मना रहे हैं तो, अन्यथा गुप्त नवरात्रि मत मनाइए। और इसके अंदर कई जगह ऐसा आया है,
दस महाविद्या का नाम तो आया ही है और साफ साफ लिखा हुआ है कि शमशान वासिनी देवी घोर चंडी भयानका, मतलब वह शमशान वासिनी ही है। और यदि आप ये साधना घर पे करेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ इसमें वो भी लिखा हुआ है मत्स्य प्रिया मांस रता मत्स्य मांस बलि प्रिया, यानी मत्स्य प्रिया आपको मुद्रा तो प्रदर्शित करना ही करना है और मांस भी खाना है और मांस भी भेंट करना है, और मछली और मांस और बलि यह उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। और यदि आप बलि नहीं दे सकते हो तो दस महाविद्या की साधना करना छोड़ दो, क्योंकि यह महाविद्या दस महाविद्या भयानक और बहुत शक्तिशाली है। और यदि आपका शरीर आपकी आत्मा इसके शक्ति को सहन नहीं कर पाई तो आपको बीमारी लग सकती है। इसलिए गुरु के निर्देशन में गुरु के आदेश से गुरु से लिए गए कवच को धारण करके ही यह साधना प्रारंभ करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भद्रकाली महाकाली चामुंडा माहेशी बगला देवी रुद्राणी शिव प्रेण गन्विता सभी इसके अंदर शामिल हैं। आप साधना करेंगे सबसे पहले शिव के प्रेत और गण वो आपके पास आएंगे, आप उन्हीं खिलौनों से ही खेलते रह सकते हो। इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूं कि दस महाविद्या की साधना यदि आप कर रहे हो इस गुप्त नवरात्रि में या किसी भी गुप्त नवरात्र में, तो वो साधना करना बंद कर दे जब तक कि आपको उचित गुरु प्राप्त नहीं हो रहा हो। एक बार वो सुने और आनंद लें। ओम घोर चंडी महाचंडी चंडमुंड विखंडिनी चतुर्वक्ता महावीर्या महादेव भूषिता रक्त दंता वारारोहा महिषासुरमर्दिनी तारिणी जननी दुर्गा चंडिका चंड विक्रमा गू काली जगद्धात्री चंडी जामलोद्वा शमशान वासिनी देवी घोर चंडी भयानका शिव घोरा रुद्र चंडी माहेशी गणभूषिता जानवी परमा कृष्ण महा त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या परमा विद्या चंडी वेरी मर्दिनी दुर्गा दुर्ग शिव घोरा चंद्र हंडी भचंडिका माहेशी बगला देवी भैरवी चंड विक्रमा प्रमथे भूषिता कृष्ण चामुंडा मुंड मर्दनी रणखंडा चंड घंटा रण रामा रण प्रिया भवानी भद्रकाली च शिव घोरा भयानका विष्णु प्रिया महामाया नंद गोप ग्रोद्भवा मंगला जननी चंडी महाक्रुद्धा भयंकरी विमला भैरवी निद्रा जातिर्बुद्धि स्मृति क्षमा तृष्णा क्षुदा तथा छाया शक्ति मार्या मनोहरा तस्य देवे नमो यावे सर्वस्वरूपण संस्थिता प्राण प्रिया जाति माया निद्रा रूपा महेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूपण संस्थिता नमत्तस्य 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 नमो नमः महाचंडी शिव घोरा भयानका वरप्रदा कांचनी कमला विद्या महारोग मर्दनी गूचंडी घोर चंडी चंडी तेलोग्य दुर्लभा देवानाम दुर्लभा चंडी रुद्रामल सन्मदा अप्रकाश्या महादेवी प्रिया रावण मर्दनी मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया मधुमता महानत्या भूत प्रमथ संगदा महाभागा महारामा धानदा धन रत्नदा वस्त्रादि मणि राजादि प्रजा विषय वर्दिका मुक्तिदा सर्वदा चंडी महा आपत्ति विनाशिनी रुद्रधया रुद्ररूपा रुद्राणी रुद्रवल्लभा रुद्रशक्ति रुद्ररूपा रुद्रभूषा समृता शिवचंडी महाचंडी शिव प्रेत गणनिविता भैरवी परमा विद्या महाविद्या षोड़शी सुंदरी परमा पूज्या महापूज्या त्रिपुर सुंदरी गोकाली भद्रकाली महाकाली मर्दनी कृष्णा कृष्ण स्वरूपा सा जन सम्मोहनकारिणी अति माद्रा महालज्जा सर्वमंगलदायिका गौरतंद्रा भीम रूपा भीमा देवी मनोहरा मंगला बगला सिद्धिदायिनी सर्वदा शिवा स्मृति रूपा कीर्ति रूपा बुद्धि रूपा मनोहरा विष्णु प्रिया शक्र पूज्या योगिंद्री सेविता भयानका महादेवी भयदुग विनाशिनी चंडिका शक्ति हस्ता च कौमारी सरकामदा वाराही च वाराहास्या इंद्राणी च पूजिता माहेश्वरी महेश्याश महेश गणभूषिता चामुंडा नारसिंह च नरसिंह शत्रुनाशिनी सर्वशत्रु प्रश्विनी सर्व आरोग्य प्रदायिनी ओम ह्रीम चंडिकाय नमः।